हेलो बच्चों, तो आप लोगों ने कल रेजोनेंस से अच्छे से रिवाइज किया होगा, और रेजोनेंस के मैंने दो एप्लीकेशन भी आपको कराए थे कि रेजोनेंस अल्टर्स द बॉन्ड लेंथ और सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल। ये क्लियर हो गया था। आज हम लोग को रेजोनेंस का तीसरा एप्लीकेशन करना है जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड एंड बेटा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे पहचानते हैं हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। देखिए ये कंपाउंड जो होते हैं इनके पांच करेक्टर्स होते हैं। पहला, दीज कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीटली कंजुगेटेड, गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट एडिशन, और लास्ट बड़ा पॉइंट है फॉलो हक्कल रूल। फॉलो हक्कल रूल, तो ऐसे कंपाउंड जो इन पांच प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं हम उनको एरोमेटिक कहते हैं, और यही बेटा पांच प्रॉपर्टी एंटी एरोमेटिक की भी होती है। दे आर आल्सो साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीटली कंजुगेटेड, गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट एडिशन एंड फॉलो हक्कल रूल। फॉलो हक्कल रूल, ठीक है। तो जो कंडीशन एरोमेटिक की है वही कंडीशन एंटी एरोमेटिक की भी होती है, बस इनके हक्कल रूल में डिफरेंस होता है। अब देखो बेटा, जब भी आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पहचानने को आए, आप सारी बातें मत देखिए। साइक्लिक तो आपको दिखाई पड़ जाएगा दूर से, बाकी आप मेनली दो चीजों पर फोकस करेंगे कि वो मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए और हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। प्लेनर का बेटा मतलब है कि रिंग में जितने भी एटम हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। बेटा बोलो क्या चाहिए? sp2। और उसके बाद अब हक्कल रूल लगाकर देखेंगे। एरोमेटिक का हक्कल रूल होता है 4n+2 बराबर नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक का हक्कल रूल होता है 4n+2 बराबर नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल लिखिएगा मैं समझने के लिए, जैसे मान लो आपको ये पता करना था कि ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, राइट? तो आप देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं, दो दो चार दो छह। तो इन डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन को आप बराबर के राइट में रख देना और एन की वैल्यू को निकालना। अगर एन की वैल्यू कोई होल नंबर आती है इंक्लूडिंग जीरो, तो समझ जाना वो कंपाउंड एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक का हक्कल रूल होता है 4n बराबर नंबर ऑफ डी लोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, ओके। और जैसे यहां पे आपने रखा वैसे वहां पे रख देना और एन की वैल्यू को निकालना। और एन की वैल्यू अगर कोई भी होल नंबर आए बट नॉट जीरो, तो समझ जाना वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। बात बेटा क्लियर हो रही है?
तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के हक्कल रूल में दो डिफरेंस है। यहाँ पे 4n+2 होता है, वहां पे 4n होता है। यहाँ पे n का वैल्यू कोई भी होल नंबर इंक्लूडिंग 0 हो सकता है, यहाँ पर n का वैल्यू होल नंबर बट नॉट 0 होना चाहिए। तो आप लोग दो चीजों को देखेंगे, प्लैनरिटी को चेक करेंगे और हक्कल रूल को फॉलो करेंगे, बस। बाकी साइक्लिक तो आपको दूर से दिखाई पड़ जाए। ओके बेटा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आइए, और इसके बाद हम लोग सीधे एग्जाम्पल चालू करेंगे, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग को जानते हैं अगर लिखने में समय लगे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो आप लोग, है ना। चल जैसे सीधे बेटा मैं कुछ एग्जांपल्स डील करने जा रहा हूं, आइए देखेंगे बेटा। नाम आपको इसका मालूम ही होगा, दिस इज बेंच। अब देखिए, सबसे बेटा पहला काम होगा कि प्लैनेटरी चेक करेंगे, रिंग के सारे एटम sp2 होने चाहिए, सारे कार्बनों ने एक एक पाई बॉन्ड बनाया है। अकॉर्डिंग टू sp3-pi रूल ऑल कार्बन्स आर sp2, सो दिस एंटायर मॉलिक्यूल इज प्लेनर। अब प्लेनरिटी के बाद हम हक्कर रूल लगाएंगे। चलो पहले एरोमेटिक का लगा के देखते हैं। 4n+2 बराबर 2, 2, 4 और 2, 6, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, n बराबर 1 आ गया, दिस इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, आप जानते हैं बेटा ये सारे इलेक्ट्रॉन देखिए डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। आपको जबरदस्ती डीलोकलाइज देखने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप उसको लेके परेशान मत हो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एग्जांपल ये दिया, दो बातें मैं बताऊंगा जो लिखवाऊंगा नहीं। देखिए, नाम तो आपको इसका मालूम होगा, पिरिडी। देखो बेटा, मैं एक बात बोल रहा हूं, आप चाहे तो उसको कॉपी में ऊपर लिख लीजिएगा। अगर किसी एटम ने पाई बॉन्ड बनाया है तो उस एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज या जो लोन पेयर होता है वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब ये लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये डीलोकलाइज नहीं होगा। ठीक, अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा। अच्छा, हमें पता करना था ये मॉलिक्यूल क्या होगा। पहला काम है प्लैनरिटी को चेक करना। सारे कार्बन sp2 है, नाइट्रोजन देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ये भी sp2 है, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। आइए हक्कर रूल लगाते हैं, पहले एरोमेटिक का लगा के देख लिया करो। 4n+2 बराबर 2, 2, 4 और 2, 6, ये डीलोकलाइज नहीं होगा। n=1 होल नंबर आ रहा है, यस दिस इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। ओके बेटा, बाबड़ा क्लियर है। चल अगला एग्जांपल देखते हैं। इस अगले एग्जांपल से आपको मुंह जवानी हम दो बातें बताएंगे। नाम सबसे पहले बता लीजिए, फ्यूरॉन। ठीक है, देखिए दो बातें बताएंगे। बात नंबर 1, अगर किसी एटम पर 1 से ज्यादा लोन पेयर है, ठीक है, तो सिर्फ 1 लोन पेयर ही रिजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। पहला पॉइंट ही समझ लीजिए। यहां पे बताया था किसी एटम ने पाई बॉन्ड बनाया होगा तो लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी डीलोकलाइज नहीं होगा, सिर्फ पाई पाई कंजुगेशन शो करेगा। अगर किसी एटम पर 1 से ज्यादा लोन पेयर है तो सिर्फ 1 लोन पेयर ही डीलोकलाइज होता है। बात नंबर 1 हो गई। बात नंबर 2 बेटा, जो चीज डीलोकलाइज हो गई मतलब उस चीज ने उस एटम को छोड़ दिया, जब उस चीज ने उस एटम को छोड़ दिया तो वो चीज उस एटम का पार्ट नहीं है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि कोई एक्सीडेंट हुआ और किसी इंसान का एक हाथ कट गया, अब जो हाथ कट गया वो उसकी बॉडी का पार्ट नहीं माना जाएगा। कहना ये चाहती है जो लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाते हैं फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते। सुनिए बेटा,
ये चारों कार्बन sp2 में, उसमें कोई शक नहीं। इस एटम को देखिए, दो सिग्मा वाले बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, एक लोन पे चूंकि चला गया तो अब वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो दो सिग्मा बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ये भी बेटा sp2 है, तो पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया? प्लेनर हो गया। अब लगाइए हक्कल रूल, डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर करेंगे, दो दो चार दो छह, ये डी लोकलाइज नहीं हो रहा है, एन इज इक्वल टू वन, यस दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो एरोमेटिक। बाबड़े क्लियर है? तो मैंने इन दो एग्जांपलों में आपको तीन ऐसी बातें बताई जो लिखवाई नहीं है मैंने, मुंह जबानी बताई है, आप लिख लीजिएगा, फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा। लेकिन अगर किसी एटम ने पाई बॉन्ड बनाया है तो उस एटम पे रखे लोन पेयर पॉजिटिव और निगेटिव डीलोकलाइज नहीं होते। पॉइंट नंबर टू, अगर किसी एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर है तो सिर्फ एक लोन पेयर ही डीलोकलाइज होगा। पॉइंट नंबर थ्री, जो लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किए जाते, राइट बेटा? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो तीसरा एग्जांपल आप खुद करिएगा वीडियो को पॉज करके। मान लीजिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये दिया, मैंने आपसे पूछा बताइए मॉलिक्यूल कैसा है, पॉज करके खुद सोचिएगा, फिलहाल मैं बताने जा रहा हूं। sp2 ये सब sp2, अच्छा ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होगा क्योंकि इसने पाई बॉन्ड बनाया, इन दोनों में से सिर्फ एक डीलोकलाइज होगा, एक डीलोकलाइज नहीं होगा, इतना क्लियर? तो ये नाइट्रोजन भी देखो दो सिग्मा एक लोन पेयर sp2 है, और ये सल्फर भी दो सिग्मा एक लोन पेयर sp2 है, पूरा मॉलिक्यूल sp2 है। अब लगाइए हक्कल रूल, 4n+2 बराबर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो छह, एन बराबर वन, यस दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो एरोमेटिक। ओके बेटा, बाबड़ा क्लियर हो रही है? चलिए और देखते बेटा, और देखते, देखेंगे बेटा, ये देखिए, हमने बोला बताइए ये मॉलिक्यूल कैसा है। ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले प्लेनरिटी देखेंगे, sp2 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 sp2, व्हाट अबाउट दिस, सुनना प्लीज, हमें देखना। कार्बन की चार वैलेंसी होती है, किसी एक वैलेंसी को काटकर तुमने माइनस लगाया, इसमें कोई शक नहीं है कि तीसरी वैलेंसी पर हाइड्रोजन होगा, कोई शक नहीं। देखिए बेटा, ये जो कार्बन है तीन सिग्मा निगेटिव का मतलब बेटा लोन पेयर ही होता है, तो अगर देखा जाए तो ये sp3 है, नो डाउट। लेकिन अभी अभी मैंने यहां पर आपको समझाया था, ये वाला जो निगेटिव है आप अगर ध्यान से देखें तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो हम इस निगेटिव को इस कार्बन का पार्ट नहीं मानेंगे, मतलब ये कार्बन भी sp2 ही माना जाएगा। क्लियर? मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया? प्लेनर। अब प्लेनर अगर है तो हक्कर रूल लगाइए, 4n+2 बराबर दो दो चार, ये भी डीलोकलाइज हो रहा है, दो छह, तो n बराबर वन, यस दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो एरोमेटिक। तो ध्यान रखिएगा बेटा, हमने जो यहां पे मुंह जवानी तीन बातें बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, ये निगेटिव चूंकि डीलोकलाइज हो रहा है तो इस निगेटिव को इस कार्बन का पार्ट नहीं मानेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, तीन बॉन्ड पेयर है मतलब ये sp2 होगा, राइट? और देखिए बेटा, मैंने मान लीजिए आपको ये दिया, नेगेटिव नेगेटिव, ध्यान दो। सबसे पहले देखेंगे प्लेनरिटी को, sp2 sp2, नेगेटिव डीलोकलाइज हो रहा है, अगर निगेटिव डीलोकलाइज हो रहा तो आप देख चुके हैं कि वो sp2 होता है, ये क्यों डीलोकलाइज हो रहा है आप देख सकते हैं, एक एटम जिस पर निगेटिव चार्ज, दूसरे जुड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, ये पक्का डीलोकलाइज होगा।
तो ये भी sp2 हुआ और ये भी sp2 हुआ, प्लेनर हो गया। लगाइए हक्कल रूल, 4n+2 बराबर 2, 2 4, 2 6, एन बराबर 1, यस दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो एरोमेटिक। ओके बेटा, और देखते हैं। मैंने ये दिया, मैंने पूछा बताइए ये क्या है, आप देखिए sp2 ये नेगेटिव भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा, मतलब ये नेगेटिव डिलोकलाइज हो रहा, मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। अब लगाते हैं हक्कर रूल, पहले एरोमेटिक का लगा के देखते हैं, 4n+2 बराबर 2 और 2 4, n बराबर 0.5, मतलब ये क्लियर है कि ये एरोमेटिक नहीं होगा। अब एरोमेटिक नहीं होगा तो एक बार एंटी एरोमेटिक का लगा के देखो, 4n बराबर 4, n बराबर 1, यस ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। जिस हक्कल रूल को फॉलो कर लेगा वो वैसा हो जाएगा, एरोमेटिक वाले को फॉलो किया तो एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक वाले को फॉलो किया तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर बेटा? अच्छा, अब इसी में मैं आपको एग्जांपल और कराता हूं, इसी में देखिएगा, एक एग्जांपल में और कराता हूं, देखना। अब मान लो मैंने आपको एग्जांपल एक ये दे दिया, मैंने पूछा बताइए ये एरोमेटिक है कि नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये दो कार्बन sp2 में कोई संदेह नहीं, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये आपका देखिए sp3 है। भाई नेगेटिव होता तो नेगेटिव डिलोकलाइज हो जाता तो sp2 हो जाता, प्लस होता तो sp2 हो जाता, पाई बॉन्ड इस कार्बन ने बनाया होता तो sp2 हो जाता, लेकिन यहां तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है, मतलब ये sp3। अगर कोई एटम sp3 हो गया तो अब ये प्लेनर नहीं है, दिस इज ए नॉन प्लेनर। और अगर ये नॉन प्लेनर है तो हक्कल रूल लगाकर देखने की कोई जरूरत नहीं है, इट मस्ट बी नॉन एरोमेटिक। कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, फिर ये ना एरोमेटिक हो सकता ना एंटी एरोमेटिक होगा, इट मस्ट बी नॉन एरोमेटिक। ओके बेटा, मैंने ये दिया, आप देख सकते हैं चारों कार्बन sp2 है, मॉलिक्यूल प्लेनर है। हक्कर रूल लगाइए, पहले एरोमेटिक का लगाकर देखा तो दशमलव में आ गया, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। फिर एंटी एरोमेटिक का लगाकर देखा तो होल नंबर में आ गया, मतलब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। ओके बेटा, ओके, और देखिए ये दिया, ये दिया, आप देखिए बेटा sp2 कार्बोकेटायन हमेशा sp2 होता है। क्यों? आप खुद देखिए, कार्बन के चार वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी को काट के आपने प्लस लगाया होगा, मतलब एक वैलेंसी पे एच होगा, तो 3 सिग्मा है, 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो कोई है नहीं, पॉजिटिव में तो कोई लोन पेयर होगा नहीं, तो sp2 होगा। तो कार्बोकेटायन में तो कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती, वो sp2 होता है, तो पूरा मॉलिक्यूल आपका प्लेनर हो गया। लगाइए हक्कर रूल, 4n+2 बराबर 2, एन बराबर 0, एरोमेटिक में 0 पॉसिबल है, मतलब ये एरोमेटिक होगा। ठीक, यहां पर आइए, सारे के सारे sp2 है, मॉलिक्यूल प्लेनर है, हक्कर रूल लगाएंगे, 4n+2 बराबर 6, n बराबर 1, यस ये भी एरोमेटिक होगा। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल को चेक कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। ठीक है बेटा, अच्छा ध्यान रखना बेटा। अब मान लीजिए मैं आपको कोई मॉलिक्यूल ये देता हूं, ध्यान से लोग देखेंगे,
मैंने आपको कोई मॉलिक्यूल ये दिया ठीक है, मैंने पूछा बताइए क्या, ध्यान दीजिए सब लोग बेटा, sp2 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 sp2, इसको देखिए ध्यान दीजिए बेटा, लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, अगर लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, इसलिए नाइट्रोजन के पास तीन बॉन्ड पेयर है तो ये भी sp2 है, पूरा मॉलिक्यूल आपका प्लेनर है। लगाइए हक्कल रूल, 4n+2 बराबर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, n बराबर 1, यस दिस इज आल्सो एरोमेटिक। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आप किसी भी मॉलिक्यूल को चेक कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, राइट बेटा। इसमें बेटा मैं आपको अब दो एग्जांपल और कराना चाहूंगा, देखेंगे सब लोग। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं हम लोग प्लेनरिटी को, अगर वो प्लेनर है तभी हक्कल रूल लगाइएगा, क्योंकि अगर वो नॉन प्लेनर हो गया तो हक्कल रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा, राइट। जैसे और देखते हैं, और देखते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने ये देखा, हाँ एक एग्जांपल जरा ये देख लीजिए, और मैंने ब्रैकेट लगाकर ऐसे माइनस टू लगाया है। देखो बेटा, जब कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज हम लगाते हैं डायरेक्ट, तो ईच निगेटिव इज कंसीडर एज लोन पेयर इक्विवेलेंट टू 2 इलेक्ट्रॉन। परंतु बेटा जब निगेटिव चार्ज इस प्रकार से ब्रैकेट के ऊपर लगा हो तो ईच निगेटिव इज इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये निगेटिव किसी कार्बन पर लगा होता तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता, लेकिन ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, राइट। हमें पतला करना था ये कैसा होगा, सबसे पहला काम प्लेनरिटी को चेक करना, सबके सब sp2 है, प्लेनर है। हक्कर रूल, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 1 निगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन 2 निगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, n बराबर 2, यस दिस इज एरोमेटिक। क्लियर बेटा, बाबड़े क्लियर हो गई है। चल अब एक स्पेशल एग्जांपल भी कराएंगे इसी के बगल में, जरा इस स्पेशल एग्जांपल को देखिए। मैंने आपसे पूछा ये मॉलिक्यूल, ध्यान रखिए बेटा ब्रैकेट नहीं लगाया, मैंने आपसे पूछा बताइए मॉलिक्यूल कैसा है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले प्लेनरिटी को देखा, मॉलिक्यूल प्लेनर है, फिर आपने हक्कर रूल लगाया, इतने एग्जांपल करा दिए आप समझ गए होंगे एंटी एरोमेटिक वाला हक्कर रूल लग जाएगा, एरोमेटिक में तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी लेकिन एंटी एरोमेटिक में हक्कर रूल लगेगा और ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाए। तो आपने जब इस मॉलिक्यूल में अपना फंडा लगाया तो ये प्लेनर है और एंटी एरोमेटिक के हक्कल रूल को फॉलो कर रहा तो ये एंटी एरोमेटिक है। तो मैं अपने बच्चों को बताना चाहूंगा ये स्पेशल केस है, ये जो कुछ भी आपने किया है ये गलत है। एक्चुअली बेटा ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम आप लिख सकते हैं साइक्लो ऑक्टा 1357 टेट्राइन। ये जो बेटा मॉलिक्यूल होता है, एक्चुअली दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर टब सेट। ये मॉलिक्यूल आपको देखने में प्लेनर दिखाई पड़ रहा है लेकिन वास्तव में बेटा ये नॉन प्लेनर टब सेप होता है, और नॉन प्लेनर टब सेप होने के कारण इट इज नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, इट इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक। क्लियर, इसका टप से स्ट्रक्चर आप इसी के नीचे बनाइएगा, मैं राइट में बना दे रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए टप सेप्ड होता है और टप सेप्ड होने के कारण ये नॉन प्लेनर होता है
और नॉन प्लेनर होने के कारण ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, अगर ये पॉइंट आपको ना पढ़ाया जाता तो गारंटी है आप इसको एंटी एरोमेटिक बोलते। लेकिन एक्चुअली बेटा ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, इट इज ए नॉन प्लेनर, सो नॉन एरोमेटिक। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने काफी सारे एग्जांपल करे कि एरोमेटिक कौन होगा, एंटी एरोमेटिक कौन होगा। लास्ट में बेटा हम जाते जाते आपको एक बात और बताना चाहेंगे, कि आपने अभी हमसे तीन प्रकार के कंपाउंड पढ़े, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। आपको जान के खुशी होगी सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, उनसे लेस स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और लीस्ट स्टेबल होते हैं बच्चों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने रिजुलेंस का तीसरा एप्लीकेशन खत्म किया, दैट इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें एक स्पेशल केस करवाया है साइक्लोटेट्राइन का, जो देखने में एंटी एरोमेटिक लग रहा है बट एक्चुअली में टब सेव्ड नॉन प्लेनर होने के कारण वो नॉन एरोमेटिक होता है। ओके, चलिए अब हम लोग तीसरे के बाद चौथा एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज, ध्यान से इसको देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बो कैटायन। देखिए बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बो कैटायन, ध्यान दो सब लोग। देखिए बेटा, आपको बेंजाइल ग्रुप तो मालूम होगा, आईयूपीएससी में पढ़ाया था, इसे हम लोग बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। अगर इस बेंजाइल में इस फ्री वैलेंसी को हटाकर हम इसी पर प्लस लगा दें तो इसी को कहते हैं बेंजाइल कार्बो कैटायन। हमारे बेटा मेडिकल में सवाल कैसे आते हैं, इस बेंजाइल कार्बो कैटायन में हम किसी एक ग्रुप को लगा देते हैं, कभी NO2 लगा दिया, कभी CH3 लगा दिया, कभी हेलोजन लगा दिया, कभी कुछ और लगा दिया, और आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो पूछा जाता है। जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। अगर जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, तीन चार स्ट्रक्चर बनाकर दिए जाए, अगर लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हैं तो हम सिर्फ डोमिनेटिंग इफेक्ट को देखते हैं। डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है रिजोनेटिंग इफेक्ट, प्लस आर और माइनस आर। लेकिन बेटा अगर चारों स्ट्रक्चरों में जो ग्रुप लगे हैं वो सेम लगे, सिर्फ उनकी पोजीशन अलग अलग है, CH3 कभी ऑर्थो पे लगा, दूसरे में मेटा में लगा दिया, तीसरे में पैरा में लगा दिया, और स्टेबिलिटी आपसे पूछी, अगर ग्रुप सेम है तो हम सारे इफेक्ट को देखते हैं, रिजोनेटिंग भी और इंडक्टिव भी। ठीक है, दोबारा बोलना चाहे तो रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा और लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, मैं दोबारा बोल दे रहा हूं। अगर ग्रुप डिफरेंट है तो सिर्फ डोमिनेटिंग इफेक्ट को लेकर चला करो, और अगर ग्रुप सेम है तो सारे इफेक्ट को लेकर चला करो। ठीक, जैसे जैसे मैंने ये दिया,
मैंने आपको दिए, और एक ग्रुप ये लगा दिया, और हमने पूछा इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। ग्रुप देखिए डिफरेंट लगे हुए हैं, तो डोमिनेटिंग इफेक्ट रिजोनेटिंग इफेक्ट को लेके चलेंगे। लोन पेयर के कारण इट इज प्लस आर, हाइपर कंजुगेशन के कारण इट इज प्लस आर, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, और पाई बॉन्ड के कारण इट इज माइनस आर। अकॉर्डिंग टू पोरवाल ट्रिक लाइक फेवर लाइक, प्लस वाले प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं और माइनस वाले प्लस की स्टेबिलिटी घटाते हैं, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा और ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपको याद है प्लस आर पावर का ऑर्डर वही है जो रिंग एक्टिवेटिंग का ऑर्डर है, ओ माइनस एन एच टू ओ एच ओ आर एन एच ए सी फिर एल्काइल ग्रुप, तो ओ आर का प्लस आर पावर ज्यादा होता है। अगर प्लस आर पावर ज्यादा है तो स्टेबलाइज ज्यादा करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो गया, फर्स्ट वाला, उससे कम सेकेंड वाला, और सबसे कम हो गया फोर्थ वाला। तो स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकैटायन, ग्रुप चूंकि डिफरेंट थे तो हमने सिर्फ डोमिनेटिंग इफेक्ट को देखा है, राइट। अच्छा अब जरा सुनना, मान लो बेटा मैं अगला एग्जाम्पल बना के दूं, आप इसको लिख चुके होंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अब मैं सेम ग्रुप लगाने जा रहा हूं, अब मैं सेम ग्रुप लगाने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब बड़ा ग्रुप आपने सेम लगा दिए हैं तो हम लोग सिर्फ देखेंगे सारे इफेक्ट को देखेंगे। देखिए हाइपर कंजुगेशन के कारण मिथाइल ग्रुप प्लस आर होता है, और इंडक्टिव में ये प्लस आई होता है, अगर आपको याद हो। मेटा पोजिशन पे लगा ग्रुप कभी भी रिजोनेटिंग इफेक्ट को शो नहीं कर सकता, ये भी प्लस आर और प्लस आई होगा, यहां पर एस सच कोई इफेक्ट नहीं। अब देखिए लाइक फेवर लाइक, प्लस वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, हमारे स्टूडेंट देख सकते हैं, बच्चों ये कौन सा दिया आपको हमने, ऑर्थो दिया है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड है, ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, और इसको मैंने फोर्थ बोल दिया, ठीक। अब देखिए ऑर्थो मेटा पैरा में कार्बोकेटायन किसी ना किसी फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि चौथे वाले में कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, तो चौथे वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ऑर्थो और पैरा में दो दो स्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं, जबकि मेटा में एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, तो मेटा की स्टेबिलिटी ऑर्थो और पैरा से कम होगी। अब ऑर्थो और पैरा को कैसे कंपेयर करें, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों रेजोनेटिंग इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडिंग नहीं होता, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। CH3 बिल्कुल बगल में लगा है तो प्लस आई पावर यहां पर मैक्सिमम होगी, और यहां पे प्लस आई पावर मिनिमम होगी, एम आई राइट? मतलब ऑर्थो वाला जो CH3 है अपने इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो पैरा की तुलना में ऑर्थो की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चौथे वाले में कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, मेटा वाले में एक है, ऑर्थो और पैरा में ऑर्थो वाले में प्लस आई पावर ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू पैरा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग पढ़ रहे हैं,
ध्यान से पढ़िएगा या फिर वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा अगर कहीं पर कोई डाउट आए तो। ठीक है, आइए। देखते हैं बेटा, अगला बेटा एग्जांपल लेना चाहेंगे, इसको हटाना चाहेंगे, जरा अगला एग्जांपल बेटा देखो, ये मैं करके दिखा रहा हूं, लास्ट एग्जांपल है इसके ऊपर। अब की बार बेटा मैंने OCS3 लगा दिया, ऑर्थो पे मेटा पे और पैरा पे। और एक बार कोई भी ग्रुप नहीं लगाया, सिंपल ऐसे ही छोड़ दिया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फोर्थ। ठीक है, तो ये आपका ऑर्थो है, ये आपका मेटा है, ये आपका पैरा है और ये आपका फोर्थ। देखो बेटा, चूंकि बेटा ग्रुप क्या लगे हुए, सेम लगे हुए हैं, तो हम दोनों इफेक्ट को देखेंगे। लोन पेयर के कारण ये प्लस आर है और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये माइनस आई है, माइनस आई पावर ऑर्थो पे ज्यादा होगी। मेटा पे सिर्फ माइनस आई और यहां पे प्लस आर माइनस आई मिनिमम, यहां पे कुछ भी नहीं। अब देखो बेटा, अब की बार मैंने एक ऐसा ग्रुप लगाया है जिसका रेजोनेंस और इंडक्टिव एक दूसरे के अपोजिट, ऐसा ग्रुप लिया है जानबूझ के लिए है। तो प्लस आर के कारण ये प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा जबकि माइनस के कारण घटाएगा, माइनस के कारण घटाएगा और प्लस के कारण बढ़ाएगा। अब देखो बेटा, जानते बेटा हम लोग चार प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, तीन आप पढ़ चुके हो, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक और ये रेजोनेंस, चौथा पढ़ोगे हाइपर कंजुगेशन। इन चारों इफेक्ट में सबसे पावरफुल इफेक्ट होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस बच्चों जो करता है फिर वही होता है, दूसरे इफेक्ट उसकी बात को काट नहीं सकते। जैसे रेजोनेंस कह रहा है ये स्टेबलाइज होगा, इंडक्टिव कह रहा है ये डीस्टेबलाइज होगा, तो बात आप किसकी मानोगे, रेजोनेंस की, और ये ओवरऑल स्टेबलाइज माना जाएगा। उसी प्रकार से ये भी ओवरऑल स्टेबलाइज माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ऑर्थो और पैरा ओवरऑल स्टेबलाइज हो रहे हैं, मेटा ओवरऑल डिस्टेबलाइज हो रहा, चौथे वाले में कुछ नहीं हो रहा। तो मेटा वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम, चौथे वाले की स्टेबिलिटी उससे ज्यादा। अब ऑर्थो और पैरा को कैसे कंपेयर करें, स्टेबलाइजिंग फैक्टर दोनों में सेम है, यहां पर डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर ज्यादा, तो ऑर्थो डीस्टेबलाइज कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो ऑर्थो लेस स्टेबल होगा और पैरा मोर स्टेबल होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके बेटा, तो इस प्रकार से देखिए हमने हर प्रकार का केस आपको कराया और आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे क्या हो रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो एक अगला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, रफ कॉपी पे करिएगा, फेयर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैंने कार्बोकेटायन के ऊपर आपको केस बनाकर दिए हैं। अब अगला एग्जाम्पल मैं आपको कार्बेनायन के ऊपर दे रहा हूं, सोच के बताइएगा सब लोग। ओके बेटा, देखिए, ठीक है, आप लोग करिएगा। चलिए मेरे साथ साथ चार बेंजाइल कार्बेनायन बनाइए। और अब की बार बेटा मैंने मान लो ग्रुप लगा दिया है NO2, मान लो ठीक है। चलिए आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, एक ये दे दे रहे हैं,
एक ये दे दिया, ग्रुप सेम है तो दोनों इफेक्ट देखेंगे आप लोग, और एक मैं और दे दे रहा हूं आपको करना है। मान लीजिए अब की बार डिफरेंट ग्रुप का केस दे दे रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप का केस दे दे रहे हैं, चलिए आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और इनके आंसर अपने आप बनाइएगा। फिलहाल मैं बताने जा रहा हूं बिना समय बर्बाद किए, ग्रुप सेम है, सारे इफेक्ट देखेंगे, माइनस आर माइनस आई मैक्स माइनस आई माइनस आर माइनस आई मिनिमम, यहां पे कुछ भी नहीं, माइनस वाले माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, मतलब स्टेबलाइज करेंगे इसको। आप लोग बड़े देख सकते हैं कि चौथे वाले में कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, मतलब चौथा वाला जो होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, चौथे वाले से ज्यादा स्टेबल होगा मेटा वाला। अब ऑर्थो और पैरा को कैसे कंपेयर करें, यहां पर एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर बड़ा है तो ऑर्थो वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी पैरा वाले से, तो पहले वाले का आंसर ये आ गया, ऑर्थो पैरा मेटा और फोर्थ। दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए, हमने डिफरेंट ग्रुप लगाए हैं, सिर्फ डोमिनेटिंग इफेक्ट को देखिएगा, सबको देखने की जरूरत नहीं है। लोन पेयर के कारण प्लस आर, हाइपर कंजुगेशन के कारण प्लस आर, यहां पे कुछ नहीं, और पाई बॉन्ड के कारण माइनस आर। माइनस वाले स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, प्लस वाले स्टेबिलिटी घटाएंगे। अब सवाल है इन दोनों को कैसे कंपेयर करें, तो OCS3 की प्लस आर पावर ज्यादा है, ये ज्यादा घटाएगा, तो इस प्रकार से दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, तो ये आप लोगों ने बच्चों आज देखा स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकेटायन। डिफरेंट ग्रुप लगे हो तो सिर्फ डोमिनेटिंग इफेक्ट को देखो, और सेम ग्रुप लगे हो तो दोनों इफेक्ट को हम लोग देखते हैं। राइट बेटा, चल अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आगे की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग पांचवें एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। पांचवा बेटा एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। हाँ बेटा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे कि आपको फिनॉल दिया जाएगा और इसमें डिफरेंट ग्रुप लगाए जाएंगे, और आपसे क्वेश्चन होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तरीका फिर वही है, अगर ग्रुप डिफरेंट है तो डोमिनेटिंग इफेक्ट को देखना, और अगर ग्रुप सेम है तो सारे इफेक्ट को देखना। जैसा कि मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा चुका था कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और माइनस आर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और प्लस आर। तो आइए सीधे क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डिफरेंट ग्रुप लगा के दे रहा हूं,
आपको सिर्फ डोमिनेटिंग इफेक्ट को देखना होगा। देखिए देखिए बेटा, सारे ग्रुप डिफरेंट है, आप डोमिनेटिंग इफेक्ट को देखेंगे। NO2 का डोमिनेटिंग इफेक्ट रेजोनेटिंग होता है, हेलोजन का डोमिनेटिंग इफेक्ट माइनस आई है, क्योंकि प्लस आर से ज्यादा पावरफुल इनका क्या होता है, माइनस आई होता है। यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे प्लस आर है, यहां पे प्लस, माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। लास्ट के दोनों लेस एसिडिक होंगे, पहले दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे। अब इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो रेजोनेंस जो भी करता झेल के करता है, तो रेजोनेंस के कारण अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो ज्यादा बढ़ेगी। इन दोनों को कैसे कंपेयर करें, अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि OCS3 की प्लस आर पावर ज्यादा है तो ज्यादा डी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, तो ओवरऑल ऑर्डर ये बनेगा। ओके तो NO2 ने माइनस आर से एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, Cl ने माइनस आई से बढ़ाया है, ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे, यहां पे डिक्रीज होगा, ये कम एसिडिक होंगे। OCS3 की प्लस आर पावर ज्यादा है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा घटा देगा तो लीस्ट एसिडिक होगा। ओके एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, पहला एग्जांपल, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। ओके बेटा, जिसको इसके पहला वाला समझ में आया था बेंजाइल कार्बोकेटाइन वाला, अब उसको आगे कहीं पर भी प्रॉब्लम बेटा नहीं होगी। जैसे दूसरे एग्जांपल देखिए बेटा, देखिए बेटा, अब देखिए बेटा, यहां पर तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर ग्रुपों का सीधे सीधे नंबर बढ़ता जा रहा है। जब ग्रुपों का नंबर बढ़ता जा रहा है तो भी हम लोग सिर्फ डोमिनेटिंग इफेक्ट को देखते हैं। आप देखिए यहां पर NO2 का माइनस आर है, दो दो ग्रुप लगे हैं, दो डबल माइनस आर है और यहां पर ट्रिपल माइनस आर है। माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, यहां पे भयानक रूप से बढ़ेगी और यहां पर भी भयानक रूप से बढ़ेगी। इसलिए आप देखिए यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको बताना चाहेंगे इसका नाम होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल और इसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाता है, मतलब ये एसिड ना होते हुए भी एसिडिक है, इसलिए बेटा इसके नाम में आता है पिक्रिक एसिड। आपके मेडिकल में सवाल पूछा गया वो कौन सा एसिड है जिसमें COOH ग्रुप नहीं होता, पिक्रिक एसिड OH होता है, COOH नहीं होता। लेकिन तीन तीन माइनस आर ग्रुपों के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ट्राइनाइट्रोफिनॉल एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक से भी ज्यादा होती है, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए।
अब कि मैं सेम ग्रुपों को लगा रहा हूं, डिफरेंट पोजीशन पर, सेम ग्रुपों को लगा रहा हूं डिफरेंट पोजीशन पर, मेरे स्टूडेंट को समझना चाहिए। अब हम लोगों को सारे इफेक्ट को देखने पड़ेंगे। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये मेटानाइट्रोफिनॉल है, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, और इसको सिंपल हम फोर्थ बोल दे रहे हैं। NO2 ने माइनस आर होता है, माइनस आई मैक्स, मेटा पे रिजोनेटिंग इफेक्ट नहीं होता, कुछ नहीं। माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे स्टूडेंट को दिखाई पड़ रहा होगा चौथे वाले में कोई भी स्टेबलाइजिंग बढ़ाने वाला फैक्टर नहीं है। मेटा में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला एक है, ऑर्थो और पैरा में, ऑर्थो में बढ़ाने वाला फैक्टर बड़ा है तो ऑर्थो ज्यादा होगा पैरा से। मतलब आपने जब कॉन्सेप्ट से बनाया तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आया। बच्चों ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, बस इसमें एक छोटी सी गलती है जिसका नाम है चिलेटिंग इफेक्ट। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में OH और NO2 के बीच में चिलेशन हो गया, चिलेशन के कारण H+ का रिमूवल जो है वो डिफिकल्ट हो गया। रिमूवल जब H+ का डिफिकल्ट हो गया, प्रोटॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो गई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। तो इस चिलेशन के कारण बेटा क्या होता है, ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से कम हो जाती है, मेटा से कम नहीं कर सकते, क्योंकि मेटा से तब भी ज्यादा रहेगा क्योंकि मेटा में बढ़ाने वाला एक ही फैक्टर है और ऑर्थो में बढ़ाने वाले दो फैक्टर है। ये सिर्फ पैरा से कम होगा ड्यू टू चिलेशन इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसलिए सही ऑर्डर बेटा इसका बनता है पैरा सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और फिर फोर्थ। तो ध्यान रखिएगा जब सेम ग्रुप होते हैं तभी ये चिलेटिंग प्लेटिंग इफेक्ट पिक्चर में आता है। अगर ग्रुप डिफरेंट है या उनका नंबर बढ़ रहा है तो सिर्फ डोमिनेटिंग इफेक्ट को देखो और कुछ मत देखो। क्लियर? यस। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें सेम ग्रुप को लगाकर हम आपको दिखाएंगे। एक एग्जांपल बच्चों हम और लेंगे इसमें, ये मैं हटाना चाहूंगा। चिलेटिंग इफेक्ट ध्यान रखिएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होता है, पॉज करके आप लिख सकते हैं। मैंने बेटा मान लीजिए ये ले लिया, फिनॉल ही लिया है और अब की बार हेलोजन लगाया, सेम हेलोजन लगे। बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपको अगर याद हो हेलोजन प्लस आर भी होते हैं और माइनस आई भी होते हैं, लेकिन इनका डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है माइनस आई। मैं आपको बताना चाहूंगा हेलोजन का हमेशा हम लोग माइनस आई देखते हैं, इसके प्लस आर इफेक्ट को देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट को देखते हैं चाहे सेम लगे हो चाहे डिफरेंट लगे हो। तो यहां पर रखिए माइनस आई मैक्स होगा, यहां पे माइनस आई और यहां पे माइनस आई मिनिमम। बच्चों आपके मन में आ रहा होगा सर ग्रुप जब सेम लगे होते हैं तो दोनों इफेक्ट को देखा जाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हेलोजन के केस में हम लोग हमेशा माइनस आई इफेक्ट ही देखते हैं, चाहे हेलोजन सेम लगे हो डिफरेंट पोजिशन पर और चाहे डिफरेंट लगे हो सेम पोजीशन। ओके, तो आप समझ गए होंगे माइनस वाला एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, यहां पे थोड़ी बढ़ेगी, ऑर्डर बनेगा ऑर्थो मेटा पैरा और ये फोर्थ वाला।
लेकिन बेटा एक बात और ध्यान रखना, ये ऑर्डर तभी तक है व्हेन हेलोजन इज सीएल बीआर और आई, यहां पे फ्लोरीन नहीं होगा। अगर बेटा ये हेलोजन फ्लोरीन हो गया तो ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल में हो जाता है चिलेशन, जिसके कारण ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ दो कदम पीछे जाएगी, मेटा और पैरा के पीछे जाएगी। ध्यान रखिएगा, तो यहां लिखवाऊंगा मैं इन ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल चिलेशन अकर, जैसे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में चिलेशन था, वैसे यहां पे ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल में होगा। हेंस इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, और सही ऑर्डर क्या बन जाएगा, दो कदम जाएंगे पीछे ये बने। ओके, तो अगर बेटा हेलोजन फ्लोरीन हो जाएगा तो आपको इसको दो कदम पीछे ले जाना पड़ेगा, और अगर हेलोजन उसके अलावा कोई होगा तो माइनस आई से सिंपल हम उसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो बना देंगे। ओके बच्चों, तो इसको बेटा बहुत अच्छे से आप करिएगा और सोचिएगा। आज मैंने आपको पढ़ा दिया है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकेटायन का कैसे कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी, और फिनॉल का कैसे कंपेयर करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। एक क्वेश्चन एसडब्ल्यू दे रहे हैं आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है। ध्यान रखिएगा बच्चों, हेलोजन के केस में हम लोग हमेशा माइनस आई इफेक्ट ही देखते हैं। हेलोजन के केस में हम लोग हमेशा माइनस आई इफेक्ट ही देखते हैं। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं हिंट दे रहा हूं, जिसने थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा या जिसने इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे से देखा होगा वो ये सवाल कर लेगा, ठीक है। ये एसडब्ल्यू है। आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं। रिजोनेंस में बच्चों हम लोग को दो एप्लीकेशन और पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा टॉटोमेरिज्म। तो अगली क्लास में हम सिर्फ दो फैक्टर आपको और पढ़ाएंगे, और उसकी अगली क्लास में आपको टॉटोमेरिज्म पर वीडियो मिलेगा, या ये भी हो सकता है ये दोनों वीडियो आपको एक ही दिन मिल जाए या अलग अलग भी मिल सकते हैं। क्लियर बेटा? तो चलिए आप आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। जितना भी बेटा आपको पढ़ाया गया है आप इसको बार बार रिवाइज करिएगा, और रफ कॉपी पर अपने आप स्ट्रक्चर बना लिए, फेयर कॉपी बंद कर दी, अब अपने आप माइनस आर प्लस आई करके उसको देखिएगा। ओके बेटा, चलिए। ओके बेटा, थैंक यू।